रूपाराम मुरावतिया मकराने से एक बार बहुत पहले जीत गया, बीच में काफ़ी समय बीत गया। मैं गाय के बारे में यही कहना चाहूँगा, सभी धर्मों में ये दर्शाया गया है जब जब गाय माता पे संकट आएगा तो मानव जीवन निश्चित रूप से दुखी होगा। ये शास्त्रों की है और वैज्ञानिक भी है। हाँ, परिस्थितियाँ बदल रही है और गाय दुखी होने का मुख्य कारण क्या है कि ये विकास की दौड़ में जहाँ बैल एक एक घर में दो दो तीन तीन बैल हुआ करते थे, उस जगह ट्रैक्टर आ गए। कृषि के लिए हर घर में दो तीन बैल हुआ करते थे। वक्त की बात है, 40 साल 20 साल पहले जब गाय माता बछड़ा लाती तो खुश होते। अब दुर्भाग्य देखो, जब गाय के बछड़ा आता है तो कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, बछड़ी आती। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, किसी भी सरकार ने गाय माता के लिए और किसानों के लिए ऐसे प्रयास किए ही नहीं जिससे गाय सुखी हो। आने वाले समय में अगर गाय दुखी हुई तो इस देश के सभी लोगों पे बहुत बड़ा संकट आएगा। बीच में अगर आप कहो तो राजनीति कह दूं, राजनीति का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन है यहाँ से सफल होकर जाना। सफल का मतलब ऐसे काम करो कि जाने के बाद में हमें स्वर्ग नसीब हो। तो मैं राजनीति पे दो लाइन कहता हूँ, मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए, मेरी लाइन लिखी है। ए, नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में लिखा है, आपके लिए बहुत बढ़िया लाइनें आएगी आगे के लिए भी। मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, भ्रष्टाचार हर समस्या की जड़ है, आप भी सहयोग कीजिए, हम जमकर बोलेंगे। मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए। राजनीति में MLA MP मंत्रियों की जरूरत क्या है? मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए। मिले फुर्सत के दो पल तो खुद को खुद ही समझाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। हुकूमत करो लोगों अपने हक पर हराम की तो मत खाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। हुकूमत करो नेताओं अपने हक पर हराम की मत खाइए। हुकूमत करो अफसरों और कर्मचारियों अपने हक पर हराम की तो मत खाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। ये देश के नेताओं बेवजह किसी को शहीद मत होने दो, मेरी हस्ती खेलती बहन बेटियों को मत रोने दो। ये देश के नेताओं मत लूटो मेरे देश को, मत बदनाम करो खादी के भेष को। इस तरह की कहीं बातें आएगी, 5 साल तक जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा भ्रष्टाचार कम हो, खत्म हो। और इसके लिए लाइव डिटेक्ट पर लाइए, जब एक चोर चोरी करता है तो दूसरे चोर को जांच के लिए क्यों लगा रहे हो? लाइव डिटेक्ट की जरूरत पड़े जांच की तो सबसे पहले मेरी कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो।